तीन दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, तीन दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। जी हाँ, यह है पीएम मोदी का बयान। इसे आप चाहें तो आत्मविश्वास कह सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस। दरअसल आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके चलते राज्य में चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। साथ ही सियासी बयानबाजी का पारा भी हाई है। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी भी जी जान से जुटे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में करौली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस की हार का ऐलान कर दिया। पीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेश दे रहे हैं, 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है, 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। पीएम मोदी की इस भविष्यवाणी पर सीएम अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है और प्रधानमंत्री को उनके पद की गरिमा की नसीहत दी है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे हैं, वह भड़काऊ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं है। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को अपनी योजनाओं को लेकर चैलेंज भी दिया है। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है, क्या क्या वो बोलते हैं उनको खुद को एहसास ही नहीं हो रहा होगा। बटन दबाओ जैसे फांसी लगा रहे हो, यही भाषा काम ले रहे हैं योगी जी महाराज। तो कौन सी भाषा हो ये, मतलब आप हिंसक भाषा काम ले रहे हो, वॉयलेंस की भाषा काम ले रहे हो, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। आप प्यार मोहब्बत से बात करो, जो बात कहनी भी है अगर आपको कटाक्ष भी करना है, आरोप भी लगाने हैं, तो भाषा में कई शब्द हैं उनको काम लीजिएगा। आप भड़का क्यों रहे हो लोगों को, शालीनता से बात करो। अब चुनाव कोई लोकसभा का तो है नहीं चुनाव, ये राज्यसभा चुनाव है। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, ये चुनाव राज्यसभा का है। ये यहाँ हमने जो कानून पास किए, स्कीम बनाई, गांड दी है, उस पर मेरा चैलेंज है कोई भी हमसे बात करे। इसके साथ ही गहलोत ने पीएम मोदी को चुनाव को लेकर सुझाव भी दिया है। गहलोत ने कहा कि यह राज्य का चुनाव है न कि लोकसभा का। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिनके लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, जिनमें से सभी सीट बीजेपी के पास हैं। आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी और बीजेपी राज्य की सत्ता में वापसी कर लोकसभा के लिए सियासी जमीन पुख्ता करना चाहते हैं। इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।